नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए हम बिना किसी मदद के काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। अपने भाषण के दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो 2 साल में यहाँ गरीबी खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने पनौती पनौती के नारे लगाना शुरू कर दिए। सीएम नीतीश को ये वाक्य समझ नहीं पाए तो उन्होंने अपने पास खड़े एक अधिकारी से इसके बारे में पूछा। तब अधिकारी ने उन्हें समझाया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार के लिए पीएम को लेकर कहा जा रहा है। इस पर सीएम नीतीश ने तंज कसते हुए कहा कि आप लोगों को जो बोलना है बोलिए, हमको इस पर कुछ नहीं कहना। मुख्यमंत्री के इस बयान पर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे। दरअसल सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शनिवार को मुंगेर की बांग पंचायत में मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल का शिलान्यास करने पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने अस्पताल में बने नए 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड और 32 बेड का पीकू वार्ड का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जातीय गणना, आरक्षण और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देता, हम लोग इसके लिए अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो 2 साल में यहाँ गरीबी खत्म हो जाएगी और बिहार अन्य राज्यों की तरह विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। इसी के साथ बने रहे।